ओम गुरुदेव दत्त 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 ओम ह्रीं क्लीं श्रीमयीं ग्लीं गं गं गणेशाय नमः वर 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 ध सर्वजनम उष्माने स्व उष्माने स्व उष्माने स्व ओम गुरुदेव दत्त 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 ओम ह्रीं क्लीं श्रीमयीं ग्लीं गं गं गणेशाय नमः वर 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 ध सर्वजनम उष्माने स्व उष्माने स्व ओम क्रीं 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 ओम शांभवि सर्वजनम उष्माने स्व उष्माने ओम गुरुदेव दत्त 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 ओम शक्य शक्य ज्वाल 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 नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह कृष्याम कृष्याम गुरुदेव दत्त ओम मातृदेवो भव ओम पितृदेवो भव ओम आचार्य देवो भव ओम गुरुदेव दत्त। परिष्कार मार्ग यूट्यूब चैनल मेरा अभिमानो मेरा फैंस के तेलुगु चैनल में 3 साल से देख रहे हैं आप लोग, मेरे को 50 आप सब्सक्राइबर है। इसमें भी बहुत लोग बोले गुरुजी आप तेलुगु में बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा कुछ लोग, हमको थोड़ा थोड़ा तेलुगु आता, उससे रिमिडिस कर लिया हम, अच्छा है मेरे को, हम बोल के हमको रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए मैं हिंदी चैनल और बहुत लोग फोर्स करे, इसलिए राजभाषा हिंदी के लिए मैं ये चैनल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको सब्सक्राइब कर रही है आप लोग, आपका बंधु मित्रों को ये शेयरिंग करके मेरा प्रोग्राम्स भी जाइए, यही दक्षिणा है मेरे को। आज का सब्जेक्ट जो है बहुत लोग आप पूछ रहे मेरे को, मैं ये सब्जेक्टों में साई दत्तानंदा मेरा नाम है, मैं ये सब्जेक्टों में आर्थिक समस्या बोले तो मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु नवरत्न मूलिका फेस रीडिंग अस्त सामुद्रिका ऐसा चीज़ों में मंत्र शास्त्र में ऐसा चीज़ों में मैं अन्वेषण करता हूँ और आपके सामने जो पास होता हो उसको लाके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बहुत लोग सक्सेसफुल है मेरे फ़ोन करता, गुरुजी आप बोले सो अच्छा है हमको रिजल्ट आए बोल के, उतना बस है मेरे साथ। मेरे सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका बंधु मित्रों को शेयरिंग करो। अभी आज का सब्जेक्ट क्या है बोले तो ये घर में कौन सा जानवरों को पालन करना, कौन सा जानवरों को नहीं करना, बहुत लोग मेरे फ़ोन करते महाराज हमको ये एक कछुआ मिला उसको घर में रख सकते क्या, एक मंकी मिला उसको रख सकते क्या, और हम छोटा बचपन से हमारा घर में एक नाक सांप आ रहा उसको रख सकते क्या, ऐसा पूछते। घर में कौन सा जानवर को पालना, कौन सा पक्षी को पालना, कौन सा नहीं पालना, वो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। अब अपना घर में एक ताबेल बोलते ना उसको, ये जानवरों में वो और कुत्ते पाल सकते और बिल्लियों को नहीं पालना, सुबह देखते ही अच्छा नहीं अशुभ है, बिल्ली नहीं पालना और मंकी नहीं पालना, सांप को नहीं पालना और कुत्तों को पाल सकते, ताबेल को पाल सकते, मच्छी का एक्वेरियम लगाते ना एक्वेरियम लगा सकते, मच्छी को भी पाल सकते, ऐसा चीज़ा पालना। ये राम जी का पक्षी रहता ना राम चिल्क बोलते, उसको भी नहीं पालना, बोन में नहीं लगाना, पाप है। कुछ चीज़ों को कुछ पक्षियों को पकड़ के बांध के रखना बहुत पाप है, वैसा ये शोक के लिए लगाए अपन पा रहे वो समस्या घर में लेके आए जैसा होता, इसलिए कुछ चीज़ों कुछ जानवरों को नहीं पालना। कुछ जानवरों का फोटोज भी नहीं लगाना घर में, एक शेर है समझो शेर सिंह, वो घोड़े को पकड़ के काय जैसा रहता और एक नागसांप को पकड़ के काय जैसा रहता, वैसा फिगर्स नहीं लगाना घर में, एक मूर्तियाँ नहीं लगाना। और ये घर में एक अशकन मूर्तियाँ नहीं लगाना, पक्षियाँ भी पाले तो ऐसा रहना, एक छोटे छोटे पक्षियाँ पाल सकते, ये राम का पक्षी नहीं पालना। ये गरुड़ रहता ना गरुड़, वो गरुड़ क्या करता, एक सांप को लेके जाए सज रहता, वो भी नहीं रखना फोटो।
ऐसा चीज घर में रखे तो प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या है, अपने को दोष होना, पाल लिए मर गया, एक कुत्ते को पाल लेते मर गया ये, और दूसरा पाल लेते मैं, उसका घर में अशुभ अशुभन होता, वो मरने के बाद प्रॉब्लम्स होते रहता, उसका दोष निवारण होना बोले तो एक घर में नरसिंह स्वामी विष्णु मूर्ति का अवतार है, वो फोटो रखो, आधा शेर का रहता आधा आदमी का या इंसान का बॉडी रहता, वैसा नरसिंह स्वामी का फोटो रखो, नरसिंह भगवान का। और कुर्म अवतार, कुर्म आधा कुर्म रहता बोले तो कुर्म कुर्म का उसका फेस रहता, आधा आदमी का रहता। एक मच्छा अवतार फोटो रखो, ये रखे तो क्या होता, घर में जो भी है दोष निकल जाता, उसका फोटो रखो, मच्छा अवतार, कुर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, ये फोटोज रखो, रख के पूजा करो, आपका ये जानवरों का दोष जो भी है, मर गया घर में एक कुत्ता का मर गया, नहीं तो एक सांपा के मर गया, ऐसा दोष चले जाता, वो करके आप लोग आ, मेरे को गुरुजी रिजल्ट आया, आए तो मेरे रिजल्ट बोलो, वही दक्षिणा है बस। ये हमारा परिष्कार मार्गों को, ये इसको सब्सक्राइब करो, 10 लोगों को शेयरिंग करके भेजाओ आपका बंधु मित्रों को। नमस्कार।